हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र कुमार एंड आई एम फ्रॉम पाइनियर एडियो प्रोसेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल न्यूज में है क्यों, पहली बात, और उसके बाद देखेंगे कि है क्या चीज, इसमें लिखा क्या हुआ है और इससे किन किन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, ये सब चीजें देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को पाइनियर रेडियो हब, और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ये न्यूज में है क्यों। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई इट इज इन न्यूज। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ये पास हो गया है लोकसभा में लास्ट मंडे को, और राज्यसभा में भी ये पास हो गया है दो ही दिन बाद वेनसडे को, जो कि प्रपोज करता है, ये जो बिल है ये प्रपोज करता है कि सिटीजनशिप दी जाएगी कुछ लोगों को। कौन है वो लोग? यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ पे छह जो कम्युनिटीज हैं इनके नाम स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि ये जो छह कम्युनिटीज हैं इनके अलावा किसी को और को इस बिल के द्वारा सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अब ये जो छह लोग हैं ये वो लोग हैं जो माइनॉरिटीज हैं तीन कंट्रीज से जो इंडिया में माइग्रेट हुए हैं। ये लोग सारे इलीगल माइग्रेंट है, इसलिए अब इस बिल के थ्रू इन सबको सिटीजनशिप दी जा रही है। तो ये तीन कंट्रीज कौन सी होंगी? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और छह कम्युनिटीज को ही दिया जाएंगे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस। ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है जो तीन कंट्रीज से आएंगे, अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस बिल के द्वारा इन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि इनके अलावा अगर और कोई धर्म है तो उनको, और कोई कम्युनिटी है तो उनको सिटीजनशिप इस बिल के द्वारा नहीं दी जाएगी। उनको रेगुलर जो क्राइटेरिया है एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो पूरा करना होगा टू ऑब्टेन द सिटीजनशिप। As many as 125 lawmakers voted in the favor of this citizenship amendment bill and 99 against में वोट कर रहे हैं जिन्होंने, और ये राज्यसभा में पास होने के लिए 120 मतों की जरूरत थी जो कि 125 मतों को मिलने के बाद पास हो चुका है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है क्या। ये जो बिल है ये अलाउ करता है इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जैसे मैंने की बताया, फ्रॉम सर्टेन माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ये जो है ये अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, तो और भी कंट्रीज में जैसे कि नेपाल हुआ, तिब्बत हुआ और श्रीलंका हुआ, पर ये उन लोगों को कवर नहीं करता है। ये सिर्फ तीन ही कंट्री के लिए कवर करता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये लोग अब एलिजिबल हो जाएंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए इस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में इस बिल के द्वारा अमेंडमेंट होने के बाद। तो ये जो बिल है ये ग्रांट करेगा सिटीजनशिप टू द पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो जैसे कि मैंने बताया इसमें छह ही कम्युनिटीज को इंक्लूड किया गया है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस। After 6 years of stay in India, even if they do not have the proper documents like passport or visa, इनके बिना भी इनको जो travel documents होते हैं इनके बिना भी इनको citizenship India में आप मिल जाएगी। और जो current requirement थी उस जो इस bill के आने से पहले थी, इनके लिए उनको 12 साल यहाँ पे पहले रहना पड़ता था, जो कि 12 साल कैसे गिना जाता था, पिछले 14 सालों में से 11 साल कोई भी, और पिछले 12 महीने जो आज से लेकर पिछले 12 महीने वो सेटिस्फाइड उसमें ही रहने चाहिए इंडिया में, तो ही इनको ये 12 साल का क्राइटेरिया पूरे होने के बाद सिटीजनशिप मिलती थी, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता था इन लोगों के लिए ऑब्टेन करने में, क्योंकि हिंदूज हो गए, सिख्स हो गए, इनके लिए इंडिया ही है जो इनका होम कंट्री माना जा सकता है, तो इनके अलावा बाकी कंट्रीज में ये लोग सब माइनॉरिटीज हैं। जो लेजिस्लेशन है ये उन ग्रुप्स पे अप्लाई होता है जो इन कम्युनिटीज जो नाम दिया है गवर्नमेंट ने, जो अराइव हुए थे इंडिया में ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, मतलब उसके बाद कोई आया है तो उस पे ये बिल एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद उसके लिए सेपरेट क्राइटेरिया है जो कि अब चेंज होकर 6 ईयर्स के लिए ला दिया गया है। इसका मतलब है अगर कोई 2015 में आया है तो कम से कम उसको 2021 तक रहना होगा और उसके बाद उसको सिटीजनशिप मिलेगी। और ये जो बिल है ये एक्सटेंड नहीं करता है इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स को, मतलब ये जो कम्युनिटीज है इसके अलावा, मतलब मुस्लिम इनके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी है क्योंकि मुस्लिम जो कम्युनिटी है इसका बहुत ज्यादा अपोज कर रही है, इसको बहुत ज्यादा विरोध कर रही है। जैसे कि आपने सुना होगा जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पीछे अपोज करने के लिए विरोध हुआ बहुत ज्यादा, उसके बाद सीलमपुर में भी हुआ और भी जगह जो कंट्री में जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वहां पे इसका विरोध कर रही हैं। एंड दिस बिल डज नॉट टॉक अबाउट अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज आल्सो इन द देयर नेबरिंग कंट्रीज, लाइक जो ज्यूइश कम्युनिटी होती है, बहाइज कम्युनिटी होती है, उनके बारे में भी ये नहीं बात करते हैं। हम देखेंगे कि इस बिल की नीड क्या हुई, कि अभी क्यों लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल
जो 16 में इन्होंने एक बनाया था उसमें क्या क्या नीड थी जो इसमें शायद इन्होंने पूरी करनी चाहिए थी। सो उसमें क्या लिखा था कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द हिंदूज सिख्स जैन बुद्धिस्ट क्रिश्चियन एंड पारसीज जो कि इंडिया में आए थे, क्योंकि उनको जहाँ पे ये रहते थे पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान और भी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे इनको परसिक्यूशन फेस करना पड़ता था, रिलीजियस परसिक्यूशन, क्योंकि ये अपने धर्म को मानते थे। इसलिए जो मेजॉरिटी जो कम्युनिटीज होती थी वहां पे उनको वो इनको दबा के रखते थे, इनके साथ जुल्म करते थे, इनके साथ इनको बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, गवर्नमेंट्स की जो सर्विसेज होती है स्कीम्स होती है इनको बहुत नीचे तत्वों का समझा जाता था। तो उसकी वजह से इन्होंने प्रोसिक्यूशन किया, दूसरी अपनी वापस कंट्री में आना शुरू करा, इंडिया में आना शुरू करा, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना शुरू करा। और ये लोग सिर्फ अपना सामान उमान उठा के सीधा एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब है ना इनके पास पासपोर्ट होगा ना ही इनके पास ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक वीजा। तो जिस कंट्री में ये जाते थे उस वहां पे इनको प्रॉपर फिर सिटीजनशिप नहीं मिल पाती थी ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो रेफ्यूजीज हैं दे हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टी इन गेटिंग द लॉन्ग टर्म वीजा एंड सिटीजनशिप एज वेल। सो ना ही इनको वीजा मिल रहा था ना ही इनको सिटीजनशिप मिल रही थी, इसलिए ये बिट भी आया है। जो हमारा एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप लॉ है वो नहीं अलाउ करता है किसी को भी अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं कि वो किस कंट्री में उनका बर्थ हुआ था और अगर वो यहाँ पे कम से कम 12 साल नहीं रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया काउंटिंग का प्रोसेस जैसे कैसे काउंट किया जाता है 12 साल, अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे पहले 12 साल उनके बाद ही इनको सिटीजनशिप मिल पाती थी, वरना इनको सिटीजनशिप नहीं मिल पाती थी। सो जो कि हिंदू जो बाहर की कंट्री से आ रहे थे, जैसे पाकिस्तान में है कुछ हिंदू थे 1947 के बाद जो आए थे, तो ड्यू टू रिलीजन जो उनको फेस करना पड़ता था प्रोसिक्यूशन, दे हैज नो अदर प्लेस टू गो एक्सेप्ट इंडिया। के बाद हम देखेंगे कि क्या क्या कंसर्न्स थे, इश्यूज थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए हैं कि ये चेंज करने के बाद, ये बिल लाने के बाद क्या क्या हुआ है। अब इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है रिलीजन को, इसको बेस लिया गया है एज अ न्यू प्रिंसिपल इनटू द सिटीजनशिप लॉ, रिलीजन को नई तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बाय मार्किंग आउट मुस्लिम्स एज अ रेजिडुअल कैटेगरी इट रीट्रेड्स द नैरेटिव्स ऑफ द पार्टीशन विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन जो कि प्रेजेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, मतलब सब रह सकते थे, मुस्लिम भी रह सकते थे, हिंदू भी रह सकते थे, सारे एक साथ रह सकते थे, जो कि इसमें नहीं है। इसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी होनी चाहिए थी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का बना था तो उसके हिसाब से देखें तो इसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी होनी चाहिए थी। सो वैसे तो माना जाता है कि रिलीजियस जो परसिक्यूशन है दैट इज अ रीजनेबल प्रिंसिपल अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो, बट जो हमारा इंडिया का जो फाउंडेशन है सिटीजनशिप का दैट इज रिपब्लिकन एंड सेक्युलर फाउंडेशंस जो है दो, उसको ये ना कहीं डेल्यूट करता है उस चीज को, उसके अगेंस्ट जाता है, इसलिए इसके अगेंस्ट विरोध भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे ये ठीक नहीं होगा कि दो हमने मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर रखा है, सिटीजनशिप एक्ट में इंक्लूड कर रखा है, बट कोई बाद में बिल आता है उसमें हम स्पेशली उसको एक्सक्लूड कर दें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। स्पेशल कंसर्न्स क्या होंगे इसके लिए, लोगों को क्या क्या स्पेशल कंसर्न्स हो रहे हैं इस बिल आने के बाद। ये जो बिल है दिस हैज नॉट बीन सेटिंग वेल विद द असमिस पीपल। असम में आज जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है इसके अगेंस्ट, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, पर उनका इशू अलग है। उनका इशू ये है कि ये जो बिल आने के बाद जो उनका 1985 में असम अकॉर्ड जो साइन हुआ था वो कॉन्ट्रडिक्ट होता है इस बिल के साथ, क्योंकि अगर ये बिल आ गया तो वहां पे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट, और असम अकॉर्ड कहता है 1985 का दैट क्लियरली स्टेट्स दैट इलीगल माइग्रेंट जो है वहां पे जो रह रहे हैं इलीगल माइग्रेंट असम में, क्योंकि असम का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ और वहां से वो इलीगली आ जाते हैं असम में और वहां पे रहने लग जाते हैं। सो असम वाले सोचते हैं कि हमारी कल्चर जो है कम्युनिटी जो है वो इनकी पॉपुलेशन आने के बाद डाइल्यूट होगी, सो वो नहीं चाहते थे कि वो वहां रहे, वो चाहते थे उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, इसलिए असम अकॉर्ड 1985 साइन हुआ था। बट अब इस सिटीजनशिप बिल आने के बाद इलीगल माइग्रेंट जो है वो बाहर नहीं जाएंगे शायद, ऐसा उनको लगता है, इसीलिए वो हाई स्केल पे विरोध कर रहे हैं इसका, ताकि इसको नहीं एक्सेप्ट किया जाए या फिर असम में ये एप्लीकेबल ना हो। मिजोरम जो स्टेट है वो भी डर रही है, क्योंकि उनको लगता है जो बुद्धिस्ट चाकमास होते हैं और हिंदू जो हजोंग्स होते हैं जो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा रहते हैं वो इस चीज का शायद एडवांटेज ले रहे, वो भी आने लग जाए और वो भी सिटीजनशिप मांगे, तो दैट कैन ऑल्सो भी पॉसिबल, जो कि मिजोरम के जो पीपल हैं वो सोचते हैं।
जो मेघालय है, नागालैंड है, वो भी डरे हुए हैं. दे आर अप्रेंसिव ऑफ द माइग्रेंट्स ऑफ द बंगाली स्टॉक. वो सोचते हैं कि वो उनके आने से शायद जो इनकी कल्चर है, इनका जो वो होगा वो बिगड़ जाएगा, वो डाइल्यूट होएगा इनके पॉपुलेशन के बाद दूसरे माइग्रेंट हुए तो. उसके बाद जो ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश में, उनको भी डर है कि जो नए रूल्स आएंगे वो चाकमास और तिब्बतंस, वो जो इनका जान इनका बॉर्डर लगता है, वो इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे और यहाँ पर सिटीजनशिप लेने की कोशिश कर सकते हैं. जो मणिपुर है वो चाहता है कि उसको इनर लाइन परमिट सिस्टम वहां पे मणिपुर में एप्लीकेबल हो जाए. तो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड है. लास्ट ईयर इनके सेंट्रल गवर्नमेंट से बात भी हुई थी और उनका वादा भी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे मणिपुर में द इनर लाइन सिस्टम को हम एप्लीकेबल करेंगे, ताकि हम रोक सके जो बाहर से जो आउटसाइडर आते हैं उस स्टेट में, तो उनकी कल्चर वगैरह को खराब ना कर सके. इसलिए वो ये चाहते हैं. इनर लाइन परमिट सिस्टम होता है कि वहां पे जाने से पहले, आप ट्रेवलिंग के लिए वहां जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहां से, वहां की गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना होगा कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं. अगर आप परमानेंटली रहने जा रहे हैं तो शायद वहां की गवर्नमेंट आपको मना भी कर दे. जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है वो अभी भी एप्लीकेबल है, पर वो मणिपुर में एप्लीकेबल नहीं है. मणिपुर चाहता है कि वहाँ एप्लीकेबल हो जाए ताकि बाहर के लोग वहाँ ना आ सके, पर अभी जो एप्लीकेबल है वो है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और नागालैंड में. हाउएवर द बिल इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस. क्योंकि सबसे पहले ये वॉयलेट कर रहा है बेसिक टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सारे कम्युनिटी एक साथ रह सकते हैं इंडिया के अंदर. देर इज डेमोक्रेसी, देर इज राइट टू इक्वालिटी. सो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, दे आर डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, उनको उनको बांटा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, विच शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द बिल एज पर देयर ओपिनियन. एंड इसको परसीव किया जा रहा है एज अ डेमोक्रेफिक थ्रेट. इसको इसको देख के, इसको आने के बाद ये लगता है कि स्टार्ट हो जाएगा कि डेमोक्रेसी के ऊपर एक थ्रेट है टू द इंडिजीनियस कम्युनिटीज. और ये जो बिल है ये इलीगल माइग्रेंट्स को एलिजिबल कर देगा सिटीजनशिप के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे ये नहीं, कोई भी चीज इंडिया में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देर इज राइट टू इक्वालिटी एज पर आर्टिकल 14. और ये जो बिल है वो वॉयलेट करेगा आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गारंटी करता है द राइट टू इक्वालिटी. और ये जो बिल है ये अटेम्प्ट करता है टू नेचुरलाइज द सिटीजनशिप ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन द रीजन. नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से पिछले 14 साल में 11 साल आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा इंडिया में, और पिछले 12 महीने जो आज की जो डेट है उससे पिछले 12 महीने में आप इंडिया में ही होने चाहिए जब भी आपको मिलेगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का राइट जो होता है, जब भी मिलता है. सो उस क्राइटेरिया को पूरा करके अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं तो उसको इस टर्म में इंक्लूड करा जाता है नेचुरलाइजेशन. तो इस बिल के आने के बाद ये अलाउ कर देगा कैंसलेशन ऑफ द ओसीआई रजिस्ट्रेशन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ. कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ताकि किसी लॉ का वायलेशन ना हो सिटीजनशिप लेने के लिए इंडिया में. सो दैट इज अ वाइड ग्राउंड दैट मे कवर अ रेंज ऑफ वायलेशंस इंक्लूडिंग द माइनर ऑफेंसेस. सो हम एक बार क्रक्स में देख लेते हैं. ये जो इसमें जो मेन जो विरोध हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ही हो रहा है. और सेकंड थिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रोविजन बनाए गए थे उसको वायलेट कर रहा है. एंड थर्ड थिंग, इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज को नहीं इंक्लूड किया गया है, जैसे ज्यूज को नहीं इंक्लूड किया गया है और मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो सीए मुस्लिम है वहां पे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो लोग भी दूसरे देश में आके सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, पर उनको इस बिल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है. सो हमें इस चीज को तो देखना होगा कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें ये लिखा गया था कि धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं होगा. मेरे को ये वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को पाइनियन एडू हब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.